अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अब्बास ऑटोज ऑनलाइन। दोस्तों तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बाइक का हैंडल अक्सर बहुत ही हार्ड हो जाता है, चलते चलते हार्ड हो जाता है। तो दोस्तों इसकी वजह क्या है, हैंडल लूज़ हो जाता है या इसकी कब गोलियां ख़त्म होगी? आपने ये मेंशन ये ज़रूर देख लेना है कि इसकी गोलियाँ ख़त्म हो गई हैं या इसके कब ख़त्म हो गए हैं या दोनों चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अगर दोनों चीज़ें ख़त्म हो गई, दोनों ही डाल लें, अगर एक चीज़ ख़त्म हुई है तो सिर्फ एक ही डालें, ये आपने चेक कर लेना है डालने से पहले। उसका तरीकाकार क्या है और कैसे डालते हैं ये आपको मुकम्मल हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। तो आज हम आपको बताने लगे हैं कि हैंडल कप गोलियाँ वो किस तरह के मोटरसाइकिल के चेंज करते हैं, ये काम ये कैसे पता चलता है कि ये बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। ये मोटरसाइकिल का हैंडल चलाते वक्त बहुत ही हार्ड हो जाता है, ये देखते हैं, ये यहाँ पे हार्ड हो चुका है, ये देख लो, ये इसका मतलब इसके हैंडल कप गोलियाँ ख़राब हैं। हम आपको बताएंगे कि आज किस तरीके से चेंज करते हैं और कौन सी चलाते हैं, क्या तरीका का। ये सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये खोलते हैं, ये हैंडल लाते हैं, हमने ये खोल लेना। उसके बाद हमने ये 14 इंच की ये खोल लिया। इस चीज़ का ख्याल करें कि इस टंकी के ऊपर कोई ना कोई कपड़ा डाल लें, क्योंकि हैंडल हमने उल्टा कर देना है तो खराश वगैरह में ये देखना है। ये कपड़ा डाल दिया इसके ऊपर, अब इसको उल्टा करेंगे, ले लें, ले लें, खोल दिया। अब हमने इसके लिए वाला नट खोलना है। इसके लिए मखसूस तौर पे करना होता है, लेकिन हमने इसको थोड़ी और एक मुन पे इसके साथ खोल लिया। इस चीज़ का लाजमी ख्याल करें कि मोटरसाइकिल के एक टंकी के ऊपर कपड़ा ज़रूर हो, क्योंकि ये ख़राब कर देता है। देखें हमने मुकम्मल तौर पर खोल दिया है, चेक करना, सब कुछ अलग करके बताएंगे कि इसको क्या वजह है। आया कि इसकी गोलियाँ ख़राब हैं या कब ख़राब है। जब हम इसको नीचे वाला कप निकालने लगे तो ये हमने बाहर निकाल लिया है। अब हम नीचे वाला कप निकालने लगे हैं, देख अब हम ऊपर वाला कप निकालने लगे। ये देखें हमने मुकम्मल तौर पर उसको सब कुछ अलग अलग कर लिया है। अब हम नीचे वाला कप डाल रहे हैं, देखें जब हमने निकाल दिया, अब हम इसको ऊपर वाले को बाहर निकाल लेंगे। बस तो जब देखें एक ये गोली है और एक ये गोली है, इसका कोई मसला नहीं है, नीचे कर दें या ऊपर कर दें, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं, हमें डाल देंगे। इसे मुकम्मल तौर पर हमने रिलीज लगानी है। लो जी अब हम इसको ये पकड़ने लगे हैं, हम इसको पकड़ के साथ ठोक देंगे ऐसे रख के। भाई बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमने ये दूसरा कप लिया और ये ऊपर से ये देखें कि यहाँ पे आराम से ठोक देना है।
तो हम से मुकम्मल करने के बाद देखते हैं, इसमें हम डाल देंगे मगरू चुको। ये कौन सी बार बार लगती है? जब हमने इसका ये छोटा कप है, मैंने सॉरी बताना भूल गया था, एक छोटा कप होता है एक बड़ा कप होता है। बड़ा कप नीचे डालते हैं, छोटा कप उसके ऊपर होता है। छोटा कप नीचे नहीं जाता, बड़ा कप ही महज नीचे आएगा। वो कोई अनजान भी है तो वो भी आराम से सुकून के साथ लगा लेगा, उसको कोई मसला नहीं है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब हम मुकम्मल तौर पर इसको फिट करने लगे हैं, देखिए सब कुछ अंदर करना होता है। देखिए अब हम इसको मुकम्मल तौर पर फिट करने लगे हैं। मेक श्योर एवरीथिंग इज गुड, हर चीज़ ठीक हो, इस चीज़ को अपने पक्की तसली कर लेनी है। ये नो काज ये रेस केबल बाहर आ जाती है तो ये काम सही करेगी, लेकिन ये अच्छी नहीं लगती है। ये हमने मार्शल डालनी है और इसके ऊपर ये नट लगा देना है। मुकम्मल तौर पे ठीक हो गया, आराम के सुकून के साथ ये जा रहा है, बिल्कुल आराम के साथ, ये कहीं भी स्टे नहीं कर रहा, रुक नहीं रहा। पहले वाला मैं स्टार्ट में देखा था फिर रुक रहा था, अब बिल्कुल ठीक है। तो आज हम बना है।